नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ग्रेटर नोएडा से आज मुरादाबाद पहुंची। उपलक्ष्य था युवा संसद का विशेष कार्यक्रम जो मुरादाबाद के पंचायत घर में आयोजित किया गया। जी हां, युवा संसद, जहां पर काफी मात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया। काफी देर तक यह कार्यक्रम चलता रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रेटर नोएडा समेत 19 जिलों की टीमें आज मुरादाबाद के पंचायत भवन में इकट्ठा हुई। उपलक्ष्य था यूथ आइकन समेत युवाओं को सम्मानित करना। इसी उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे भाजयुमो ग्रेटर नोएडा की टीम अपने कार्यालय से रवाना हुई, जिसे दादरी विधायक तेजपाल नागर और भाजपा जिला अध्यक्ष विजय भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस मुरादाबाद जा रही है जी। जो यूथ है जी, उनको सम्मानित किया जाएगा जी। क्या कार्यक्रम है, किस किस क्षेत्र के यूथ वहाँ जा रहे हैं? ये हमारी तैयारी हो रही है भाजपा की। भाजपा ने समय से तैयारी कर दी, 2019 की तैयारी है और यूथों के बलबूते पे 2019 का चुनाव भारी बहुमत से जीता। युवा संसद, युवा पार्लियामेंट, इतिहास में पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा संसद, युवा आइकॉन कार्यक्रम रखा गया है। युवा आइकॉन जो प्रतिभाएं कस्बों में, गांवों में दबके रह जाती हैं, उन प्रतिभाओं को निकाल कर सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुरादाबाद के पंचायत भवन में पहुंचे यूथ आइकन्स और भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पंचायत भवन भरा हुआ था। कार्यकर्ताओं की अधिकता होने से लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थिति को भांपते हुए ग्रेटर नोएडा से आए युवाओं ने बड़े सामंजस्य और समझदारी का परिचय देते हुए व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ की गयी। भाजयुमो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष यदुवंश युवा संसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, साथ में एक राष्ट्र एक भारत विषय पर चर्चा भी की। मुख्य अतिथि सुभाष यदुवंश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के हित में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा संसद का शुभारंभ हो रहा है, ऐसे वीर और पावन धरती पर आप सभी जन वंदन करता हूं। कालाबाजारी, टैक्स चोरी, इन बातों का बोलबाला रहता। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस तरह के नए नए शब्द की टेंडरिंग, ये सरकार की नई सत्ता। पहले तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जी, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की प्रतिभाओं को एक साथ एक मंच पर एकत्र कर संसद पार्लियामेंट के तहत युवा आइकनों को यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का काम किया है। पहले तो वो साधुवाद के पात्र हैं। मुझे भी यहाँ यूथ आइकन के रूप में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गौतम बुद्ध नगर ने चुना है। यहाँ आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करता हूँ कि जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, भविष्य में भी इस तरह के सम्मान से वो युवा पीढ़ी को
पुरस्कृत करते रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन होने के बाद लौटते समय गाड़ी में मौजूद रहे प्रतिभाओं से संपन्न रागिनी गायकों ने समा बांधा, साथ ही हर्षोल्लास और विनोद के साथ यात्रा का समापन हुआ। फिल्म मांगरोल और उदय चौधरी के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।